हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 25 नवंबर है और 25/11/2020 मंडे का दिन है। आज जो अपडेट लेके आया था वो निफ्टी 50 पे लेके आया था। आज निफ्टी 50 में एक अच्छा चीज़ दिख रहा है, अच्छा पैटर्न है, अच्छा बाइंग सेंटीमेंट है जो कुछ दिनों से चल ही रहा था। आज देखेंगे तो एडवांसेस 44 और डिक्लाइन 6 है, अच्छा दिख रहा है। भारतीय एयरटेल, इंफ्राटेल, टाटा स्टील, हिंडालको, ग्रासिम, मेटल सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। लूजर में जियो, एनजीसी, यस बैंक, बीपीसीएल और गेल, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख रही है। कंगन डेज में आपको हो सकता है कि HDFC, बेल उसका जो आपका वहाँ का है वो, और वो शेयर है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको दिख सकते हैं। ICICI बैंक हुआ या NCC हुआ, ये सब मेटल में टाटा स्टील, ICICI बैंक, ये सब अच्छा परफॉर्म करते हुए कमिंग डेज में आपको दिख सकते हैं। इंडेक्स की बात करें, BEML की बात कर रहा था, BEML जो है वहाँ पे शायद उसको कहीं ना कहीं अभी 100% स्टेक सेल का उसको परमिशन मिल जाएगा, मार्च तक हो जाएगा। तो शायद BEML में आपको जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन में देखने को मिला, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा खासा 30 रुपये से 60-70 रुपये तक गया, वैसे BEML में एक अच्छा ट्रेड आपको आगे कमिंग डेज में मिल सकता है। इंडेक्स में देखें तो इस इंडेक्स जो चेंज हुआ सभी सब ग्रीन है, अच्छा ग्रीन परसेंटेज से चेंज हुआ है। मीडिया में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन मेटल देखिए 3% के साथ सबसे अच्छा पोजीशन बना है। बैंक निफ्टी, इसके तो कुछ कहने ही नहीं, क्लोजिंग भी जो हुआ है अपर साइड में जाके क्लोज देता है तो बहुत अच्छा। तो एक आज जो देखेंगे जो इसका 31555 पे जो करंट क्लोजिंग दिया है बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं 31.0 ओपन हुआ था, 31591 का हाई बनाया और अपने हाई के आसपास ही जा करके क्लोज देते हुए निफ्टी बैंक दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 32,000 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है कमिंग डेज में। उसी तरह निफ्टी भी आपको 12,200-12,300 पे इस कॉल राइटिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको बहुत ही अच्छा कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है और पुट पे राइटिंग हो रहा है। तो 12,200-12,300 की ओर जाते हुए आपको निफ्टी 50 देखने को मिलेगा। FIDI की पोजिशन देखें तो आप देखिए FI का जो है कैश में 9,000 करोड़ का बाइंग है, DI का सेल है। लेकिन आप कंटिन्यू यहाँ से देखिए, जब 20 नवंबर को दोनों जगह बाइंग थी 566 करोड़ की, 183 करोड़ की, यहाँ के बाद कोई खास सेल DI भी नहीं कर रहा है। तो DI कंटिन्यू बाइंग मोड में ही है और DI के सेल से ज़्यादा जस्ट ऊपर आपका कैश में FI की बाइंग हो चुकी है। फ्यूचर ऑप्शन में भी देखेंगे तो आज दोनों जगह फ्यूचर में बाइंग हुई है, और फ्यूचर FI इंडेक्स में भी है और इंडेक्स ऑप्शन में भी हुई है। तो FI ने दोनों जगह कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी बाइंग मोड पर ही रहा है। तो फ्यूचर में बाइंग चल रही है, कैश में भी बाइंग चल रही है, और अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में भी आप देखेंगे तो आज 25 नवंबर को इंडेक्स में हुई थी, स्टॉक में भी 142 करोड़ 79 करोड़ की बाइंग ही हुई है। तो हर तरीके से आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है FI की बाइंग आ रही है, कैश में भी बाइंग आ रही है। तो और अगर मंथली बेसिस पे देखें तो अक्टूबर पे जो क्लोजिंग हुई थी 8,595 करोड़, उसके बाद अभी जो हुआ है उसको भी क्रॉस करते हुए 9,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो निफ्टी 50 कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक जो पुराना हाई था इसका 12,103 को, उसी के आसपास ये है और इसको क्रॉस करते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो अब डबल टॉप बन चुका है इसका, तो अगर ये थोड़ा सा 150 की क्रॉस करके सस्टेन करता है तो आपको 11,400 तक जाते हुए आपको दिख सकता है। तो एक अच्छा मूव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर डेरिवेटिव 28 नवंबर की क्लोजिंग को देखें 12,073 पे है, ये साइड पुट है, ये साइड कॉल है, तो एट द मनी जाकर के देखेंगे 12,050 के आसपास देखेंगे। तो कॉल में तो आप देखिए 12,000 पे अनवाइंड हो रही है, 11,950 पे अनवाइंड हो रहा है, 11,900 पे अनवाइंड हो रहा है, इनफैक्ट 12,200 पे भी अनवाइंड हो रहा है, 12,300 पे भी अनवाइंड की पोजिशन बन रही है, और कहीं ना कहीं 12,250 से बाइंग की पोजिशन बन रही है। तो 12,500 तक ये अनवाइंड की पोजीशन बनी है और ऊपर की पोजीशन आराम से इतनी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस के रूप में नहीं है। बट नीचे देखें तो 12,050 पे ही 10,00,000 का आज से शॉर्ट की पोजीशन बनी है, और 12,000 पे तो 28,67,000, मतलब अब तो लगता है इस एक्सपायरी 12,000 के ऊपर ही कटने वाली है, 12,000 नीचे नहीं कटने वाली है। तो 11,950 पे कोई भी स्टॉप लॉस लेके 11,950 का स्टॉप लॉस रखे और बाइंग मोड में ही रहे। और कहीं ना कहीं जो दिख रहा है आपको कि 12,300 पे भी अनवाइंड हो रहा है, 12,400 पे भी अनवाइंड हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा 12,200 पे अनवाइंड हो रहा है। और अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखें तो सिर्फ 21 है, 21 रुपये के कॉल पे आपको अच्छा पोजीशन मिल सकता है।
और चाहें तो आप 12,000 की जो 2,500 रुपया की पुट है उसको शॉर्ट पे पोजीशन बना सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी 28 लाख से शॉर्ट किया हुआ है, या 11,950 के पोजीशन को शॉर्ट करें, या उससे भी नीचे 11,900 को शॉर्ट करें, जो कि जाना ही नहीं है। ये तो प्रीमियम आपको ऐसे ही मिल जाएगा, फिर भी 12,000 मुझे नहीं लग रहा है ये एक्सपायरी के नीचे जाएगा किसी भी कीमत में। बाकी आप कोई भी ये पेपर ट्रेड करें, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनाए। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बन रही है 11,800 से लेकर के कंप्लीट 12,000, 12,050, 12,100 पे 7,99,000 का बना है, जबकि आज एट द मनी जो है 12,073 है, तो 12,050 के आसपास है। और ये अगर यहाँ उसके ऊपर ही क्लोज दिया है और इसके ऊपर भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कॉल जो है अनवाइंड पोजिशन बन रही है, जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो कवर कर रहे हैं, तो आप समझिए कहीं ये नीचे फ्यूचर में जाने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है ये आराम से आपको 12,200 12,400 तक जाते हुए आपको दिख सकता है। तो पुट पे एक अच्छा पोजीशन है, निफ्टी में कॉल साइड में अच्छी पोजीशन है, और पुट आप तो देखेंगे 12,450 तक लोग पोजीशन बना रहे, 12,500 से शायद 12,500 से भी अनवाइंड की पोजीशन बन रही है, ऊपर लेवल जाए, लेकिन उतनी पोजीशन शॉर्ट की नहीं बनी, लेकिन 12,200 तक पे शॉर्ट तो पोजीशन है, 63,000 अच्छे वॉल्यूम से शॉर्ट की पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं 12,000 से 12,200 12,300 के आसपास जाकर के इस वीक की क्लोजिंग हो सकती है, और अगर फास्ट क्लोजिंग हो तो हो सकता है कि, और आप देखेंगे 12,000 से 21 लाख का पोजीशन अनवाइंड भी हो रहा है और यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा रही है, मीन्स 12,000 के नीचे कभी नहीं लग रहा है कि ये एक्सपायरी नवंबर की होने वाली है। तो चलिए निफ्टी 50 पे एक अच्छा व्यू है, पॉजिटिव व्यू है, हो सकता है निफ्टी 50 कमिंग डेज में आपको अच्छा रिटर्न कॉल ऑप्शन में भी देने को दे सकता है। तो निफ्टी 50 पे बुलिश व्यू है, एक बार ये ऊपर अपने को जाकर के एक नया हाई बनते हुए आपको कल ही दिख जाएगा, बहुत देर नहीं लगेगा, और जब हाई बनेगा तो 500 तक का हाई हो सकता है मिनिमम बनाते हुए जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखेगी। फिर भी मेरा कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको कुछ करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके पोजिशन मार्केट में बने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।